वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। और हम बात कर रहे हैं इंटर फिजिक्स की, ठीक है, यानी ट्वेल्थ फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था किरचॉफ के नियम, यानी किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। और हम पहुंच चुके हैं व्हीट स्टोन सेतु के नियम पर। तो देखते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का नियम क्या होता है। पिछली क्लास में हमने दो चीजें आपको बताई थी, ठीक है, क्या होता है। एक संधि का नियम था, एक हमने संधि के नियम के बारे में चर्चा की थी, यानी जिसको हम धारा का नियम कहते हैं, यानी संधि अथवा धारा का नियम। वहां पर क्या होता था कि आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने लूप का नियम बताया था। दूसरा क्या था? लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु के नियम की, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी कई बार आया है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या है, यानी व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, यानी यह एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है, यह एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, यानी इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को, यानी अगर हमारे पास कई प्रतिरोधों के मान दिए हैं, वहां पर एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होगा, उसकी सहायता यानी इसकी यानी इस वैल्यू को निकालने के लिए हम व्हीट स्टोन सेतु के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आविष्कार यानी जो इसके आविष्कारक थे वो हमारे इंग्लैंड के प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन ने किया था, यानी एक इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक इंग्लैंड के हमारे महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन। प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, और अपने ही नाम पर इस नियम को यानी इस नियम का नाम अपने ही नाम पर उन्होंने रख दिया था, इसलिए इसको व्हीट स्टोन सेतु। अब आप सोच रहे होंगे कि सर व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, तो हाँ व्हीट स्टोन सेतु एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया था व्हीट स्टोन सेतु। और हमने बताया कि इसका उपयोग क्या होता है, यह एक प्रकार का विशेष विद्युत परिपथ होता है, इसमें से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ प्रतिरोध हमको कुछ प्रतिरोध पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं, उनमें से जो हमें अज्ञात वाले होते हैं उनका मान हम इसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन इसका व्हीट स्टोन सेतु का, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात आती है रचना की, जो इसका कंस्ट्रक्शन है कैसा है, इसकी रचना कैसी है, ठीक है, इसकी रचना कैसी, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहां से हम देखेंगे कि ए बी सी और डी, ठीक है, चार बिंदु हैं जहां पर हमारे चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एस लगे हुए हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है। यहां पर हमको एक बैटरी का यानी एक सेल भी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहां पर ये कुंजी भी लगी है बेटा, ठीक है, एक ये कुंजी लगी है, ठीक है। अब यहां से धारा ए वन से धारा देखिए बी की तरफ आई वन धारा जा रही है, और इधर को धारा कैसी जा रही है, इधर को आई वन जा रही है, यानी सॉरी इधर को धारा आई टू जा रही है, और उधर को धारा कैसी जा रही है, आई वन जा रही है। यानी हमने कहा था धारा यानी रास्ता बदलने पर धारा के मान बदलते हैं, देखिए रास्ता इधर उधर, धारा यहाँ से बह रही, यहाँ से प्लस आया, यहाँ से जाया, ठीक है, ऐसे जाएगा बेटा, देखो यहाँ से हमने सेल धारा प्रवाहित की कुंजियान की, तो यहाँ से धारा जाएगी प्लस होते हुए ए पर पहुंचेगी, यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी धारा, एक हमारा आई वन चला जाएगा, दूसरा हमारा आई टू चला जाएगा,
ठीक है, तो आई वन वाला यहाँ सी पर जाके मिलता है, आई टू वाला भी यहाँ पर जाकर सी पर मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा इसका यानी इसकी रचना हुई है। तो उस रचना में हम कुछ इसके फैक्ट्स भी लिख लेते हैं, जैसे इस सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू, इस सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस है। क्या है? इस सेतु में चार प्रतिरोध पी क्यू तथा आर एस हैं, जो जो क्रमशः देखिए, जो क्रमशः ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी बी कॉमा डी ए यानी इन भुजाओं पर स्थित हैं, ठीक है, जो क्रमशः ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी व ए डी भुजाओं पर स्थित हैं, ठीक है, यानी हमारे चार प्रतिरोध दिए हैं, चारों प्रतिरोधों यानी जब चार प्रतिरोध हैं तो चार प्रतिरोध मतलब वहां पर चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, यानी ए बी ए बी बी सी सी डी ए डी भुजाओं पर स्थित हैं या इन भुजाओं पर जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिलकर क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज की यानी ये मिलकर एक समचतुर्भुज की रचना करते हैं, यह एक चतुर्भुज की रचना करते हैं, क्या करते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहां पर, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए अगर यहां पर चार भुजाएं हैं तो चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस इस प्रकार जोड़े गए हैं कि वह एक चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार बिंदु ए व सी के बीच विद्युत वाहक बल, बिंदु ए व सी के बीच एक विद्युत वाहक बल, ये देखिए यहां पर विद्युत वाहक बल लगाया गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार ए व सी के मध्य विद्युत वाहक बल लगाया गया, ठीक है, ए व सी के मध्य विद्युत वाहक बल लगाया गया है, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल किसके प्रदर्शित करते हैं हम, ई से, यानी विद्युत वाहक बल ई लगाया गया है, ठीक है, काहे के बीच, ये हाँ देखिए यहाँ पर विद्युत वाहक बल कहाँ पर होगा, ये देखिए ये ई ए और सी के बीच, ठीक है, ए और सी के मध्य ये विद्युत वाहक बल ई, ठीक है, ए और सी के मध्य हमारा विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, ठीक है। तथा अब हम यहां से फिर देख सकते हैं, बिंदु ए से बी की तरफ हमारा आई वन धारा बह रही है, ठीक है, क्या है, बिंदु ए से, ठीक है, तो इस तरीके से हम तथा इसके साथ में हमारा तथा इसके साथ में एक कुंजी केबल लगाई गई है, मध्य विद्युत वाहक बल ई तथा तथा कुंजी केवल लगी है, ठीक है, और कुंजी के टू के पास तथा
तथा यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धारा मापी जी भी लगाया गया है, यानी इसमें धारा को मापने के लिए एक धारा मापी जी भी लगाया गया है तथा बी और डी के मध्य तथा बी और डी के मध्य एक धारा मापी जी लगाया गया है, ठीक है। बी और डी के मध्य एक धारा मापी जी लगाया गया है जो कुंजी केतु से जुड़ता है, ठीक है, जो कुंजी केतु से जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फिगर से थ्योरी को निकाल लिया, ठीक है, यानी ए और सी के मध्य विद्युत वाहक बल है, पास में कुंजी K1 है, ठीक है, बी और डी के मध्य एक धारा मापी जी को भी लगाया गया है। तो इन चार प्रतिरोधों पी क्यू तथा आर का मान हमें ज्ञात होता है, तो इन चार प्रतिरोधों, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, एकदम ये नहीं इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इन चार प्रतिरोधों पी क्यू आर, यानी पी क्यू और आर, ठीक है, आर का मान हमें ज्ञात है, ठीक है। इन चार प्रतिरोधों में पी क्यू तथा आर का मान ज्ञात है, ठीक है। पी क्यू यानी चार प्रतिरोध हैं, इन चारों में हमको पी क्यू आर का मान ज्ञात है, ठीक है, इसलिए ये ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए ये ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं। तथा देखिए चार प्रतिरोधों में हमको पी क्यू आर का मान ज्ञात होता है, इसलिए हम ये इनको ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, या ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं। तथा प्रतिरोध अज्ञात है, इसलिए प्रतिरोध का मान इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तथा S का मान अज्ञात है, S का मान अज्ञात है, अतः इसकी सहायता से, अतः बेटा इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, हम अज्ञात प्रतिरोध का मान, देखिए अभी इसका प्रूफ भी हम करवाएंगे, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन चार प्रतिरोधों में पी क्यू आर एस में हमको पी क्यू आर का मान पता है, ठीक है, और जो है अगर मान उसका मुझे पता है तो हमारे क्या है ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है, और अगर इनका मान मुझे नहीं पता होता तो ये क्या कहलाते हैं हमारे अज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहां से कुछ बाई फिगर लिख लिया, इसके बाद हम बात करेंगे कि सिद्धांत की इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है बेटा, क्या सिद्धांत, ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसकी है सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत,
देखिए सिद्धांत, यहां से इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, यानी ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया कि ए बी बी सी और सी डी कॉमा डी ए, इन पर चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एस इस प्रकार जोड़े गए हैं कि जिनमें ए और सी के मध्य हमारा एक विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे सिद्धांत की। तो सिद्धांत में यानी इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति है। ठीक है, इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति है। ठीक है बेटा, बैलेंस यानी संतुलन की यानी इस सेतु का सिद्धांत जो है, इसका जो प्रिंसिपल है वो सिचुएशन, इसकी इसका स्टेटस कैसा है, बैलेंस। ठीक है, यानी बैलेंस का स्टेटस यानी बैलेंसिंग यानी संतुलन की स्थिति है। ठीक है, संतुलन की स्थिति है। तो संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध पी और क्यू को स्थिर रखकर, यानी संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध पी और क्यू को स्थिर रखकर, यानी पी और क्यू को स्थिर रखकर। ठीक है बेटा, पी और क्यू यानी देखिए पी और क्यू को स्थिर रखकर हम यहां पर क्या करेंगे कि आर का मान इस प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, स्थिर रखकर आर का मान संयोजित किया जाता है। यानी P और Q को हम स्थिर मान लेते हैं, जब स्थिर मानकर उसको इस प्रकार स्थिर करते हैं कि R का मान इस प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, R का मान इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि धारा में कोई विक्षेप ना आए। ठीक है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि धारा में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, ठीक है, तो इस तरीके से यानी उसकी धारा में कोई विक्षेप ना आए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि B और D के विभव समान होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में B और D के विभव क्या होंगे, समान हो जाते हैं। जब कोई विक्षेप नहीं होगा यानी इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, यानी P और Q को इस प्रकार स्थिर रखा जाता है कि R का मान निकालने के लिए कि धारा में कोई विक्षेप ना उत्पन्न यानी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में B और D का मान यानी इस स्थिति में B व D के विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस स्थिति में B और D के विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। B और D के विभव ठीक है, यानी जब कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा तो इस स्थिति में B और D का जो विभव होगा वो भी हमारा कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, B और D का विभव हमारा कैसा होगा, समान होगा। जब समान होगा तो चतुर्भुज की
आपको पता है कि चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी P अपान Q इक्वल टू हम कह सकते हैं कि R अपान S होता है। देखिए यहां से हमारा थ्योरी से निकल के, देखिए हमारा जो सिद्धांत था प्रिंसिपल से निकल के आ गया कि अगर संतुलन की स्थिति में ऐसा होगा, ठीक है, तो पी क्यू को स्थिर रखकर इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज की किसी दो, यानी चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये लाइन हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है, चतुर्भुज की। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, यहां से आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, चतुर्भुज की किन्हीं दो, यानी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात किन्हीं दो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न संलग्न भुजाओं का अनुपात संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो अन्य भुजाओं के अनुपात यानी उनके रेशियो के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा पी अपान क्यू इंटू आर अपान बस देन को यही तो हमें पता करना था यहाँ पर, यानी चतुर्भुज की संलग्न दो भुजाओं का योग या सॉरी शेष दो भुजाओं का रेशियो जो अनुपात है वो R अपान S होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी उपपत्ति की, ठीक है, इसका डेरिवेशन मेथड कैसे होगा। वैसे यहां तक तो ठीक है इतना, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा उपपत्ति की, इसका जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन मेथड, यानी P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ये तो हमारा निकल के आ गया, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन, देखिए अब बात होगी इसके डेरिवेशन मेथड की, ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे हम पता करेंगे P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ठीक है। तो यहीं से हम देखेंगे, लिखेंगे कि माना संतुलन की अवस्था में, मैंने माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा आई है, माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा I है, यानी संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा क्या है, आई है, जो कि ए बिंदु पर दो भागों में बट जाती है, जो जो ए बिंदु पर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी बट जाती है, ठीक है, यानी जो कि ए पॉइंट पर दो भागों में बढ़ जाती है। जब देखिए ये दो भागों में बढ़ जाएगी
तो संतुलित अवस्था में धारा मापी जीभ में धारा नहीं बहती है। जब संतुलन की अवस्था होती है तो लिख लेंगे संतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था में धारा मापी संतुलित अवस्था में धारा मापी जी में धारा नहीं बहती है। संतुलन की अवस्था जैसे K2 हमारा कुंजी ऑफ है तो यहाँ पर क्या होगा, धारा नहीं बहेगी। देखिए जब यहाँ पर धारा यानी संतुलन की अवस्था में जब यहाँ पर धारा नहीं बहती है तो इस प्रकार I2 धारा प्रतिरोध P व Q यानी I2 धारा प्रतिरोध यानी P और यानी I1 धारा प्रतिरोध P और Q में और I2 धारा प्रतिरोध R और S में बहती है। ठीक है, तो P और Q में I1 धारा तथा I2 धारा R और S में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कि I1 धारा यहां से I1 धारा P व Q में तथा I2 धारा R और S में R व S में प्रवाहित होती है। ठीक है बेटा, R और S में प्रवाहित होती है। तो ये हुआ हमारा यानी किस तरीके से हमारी धारा बहती है। तो इस प्रकार बिंदु A पर संधि का नियम लगाने पर देखिए यानी आने और जाने का मान यहाँ पर है धारा पर। ठीक है, तो बिंदु A पर संधि का नियम लगाने पर बिंदु A पर संधि का नियम लगाने पर देखिए जब बिंदु A पर हम संधि का नियम लगाएंगे तो संधि का नियम हमारा क्या था यानी उनके बीजगणितीय योग का मान क्या होता था, शून्य होता था। ठीक है, यानी उनकी धाराओं के बीजगणितीय उनकी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी उनका मान शून्य होता था, यही होता था। बोलो, बोलिए भैया, यही हो रहा था ना, नहीं हो रहा था वहां पर, यानी जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था संधि का नियम और धारा का नियम। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा यानी I-I1 ठीक है और -I2 0, तो I=2 क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, समीकरण नंबर इसको हम एक डाल देंगे यानी यहां पर हमने देखिए ये धारा है I। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आ रहा, σI बराबर 0 हो जाएगा तो σI तो एक हमारा कांस्टेंट यहां पर I तो रहेगा प्लस आने वाली जो धारा देखिए यहां से बाहर जा रही है ये देखिए। ठीक है, बाहर यहां से देखेंगे ना इस पॉइंट से बिंदु A पर यानी ऐसे होता था जो बिंदु A से जब बाहर जा रही है धारा तो माइनस का ही तो निशान लगेगा। बोलिए ये पॉइंट क्लियर हो रहा, तभी यहां पर माइनस का निशान लगा, यहां पर समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बंद भाग ABBA में ABDA में ठीक है, अब बंद भाग ABDA में लूप नियम लगाने पर अब बंद भाग ABDA में लूप नियम लगाने पर ठीक है, पहले हमने संधि का नियम लगाया
अब हम यहाँ पर लूप का नियम लगाएंगे, तो लूप का नियम हमारा क्या होता था, लूप का नियम देखिए ए बी डी ए में, ए बी डी ए में लूप का नियम लगाएंगे तो देखिए इस पे हमारा क्या होगा आई वन पी ठीक है, माइनस दूसरा क्या होगा आई टू आर देखिए आई वन पी और आई टू आर ए बी डी ए में हमने इस वाले बंद जो है बंद उसको ले बंद भाग को ले लिया बंद पास को ले लिया ठीक है, यानी आई वन बराबर यानी क्या होगा आई वन पी इक्वल टू आई टू आर ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, इसको समीकरण नंबर दो दे देंगे हम ठीक है। तो इस प्रकार से बंद पास बी सी डी बी बी सी डी बी के लिए यानी देयरफॉर ठीक है देयरफॉर बंद पास या बंद भाग काहे के लिए बी सी डी बी के लिए बी सी डी बंद भाग बी सी डी पर लूप का नियम लगाने पर, अब देखिए बंद भाग उस पर लगाएंगे तो वहां पर भी धारा आई वन क्यू है, देखिए आई वन क्यू और इधर क्या है आई टू एस ठीक है, तो वहां से क्या बन जाएगा आई वन क्यू माइनस आई टू एस इक्वल टू जीरो, तो हमारा आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस समीकरण नंबर तीन बन गया बेटा। देखिए समीकरण नंबर एक संधि का नियम हमने लगाया, संधि का नियम होता था कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तो संधि से जो दूर जाता था धारा उसमें माइनस लगता था, संधि के जो पास आता था उसमें प्लस लगता था, प्लस का मतलब आकर्षित ऐड होना और माइनस मतलब दूर जाना, तो देखिए धारा जा रही है ना ए से, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा, इक्वेशन वन आई इक्वेशन टू और इक्वेशन थर्ड जब हमारे तीनों समीकरण आ गए ठीक है, तो समीकरण दो को तीन से भाग देने पर समीकरण दो को ठीक है यहां से समीकरण दो ठीक है को तीन समीकरण दो को भाग देने पर ठीक है यहां पर हम इसको भाग दे देंगे, तो भाग के लिए हमारा क्या बचेगा देखो यहां पर पहले इधर देखते हैं आई वन पी ठीक है आई वन पी और अपॉन में क्या है आई वन क्यू इक्वल टू आई टू आर और इधर क्या है बेटा आई टू एस ठीक है यही तो है। अब देखिए I1 कट गया I2 कट गया बचा क्या P अपॉन Q बराबर R अपॉन S तो यानी देन प्रूफ यही तो मुझे पता करना था कि यानी जब यहाँ पर हम इस वाले भाग में बंद पास में लूप का नियम लगाएंगे और इधर लूप का नियम लगाएंगे हमारे दोनों इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगी, जब दोनों समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी एक दूसरे को हम भाग दे देंगे, भाग देने पर फाइनल रिजल्ट हमारा पी अपान क्यू यानी आर अपान एस यहाँ से प्राप्त हो जाता है ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू क्यू अपान पी आर इंटू आर ठीक है S इक्वल टू क्यू अपान पी इंटू आर, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि P और Q का अनुपात R का मान प्राप्त हो तो हम S का मान सफलतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, यानी P Q R का मान अगर मुझे प्राप्त है तो S का मान भी हम क्या सफलतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। तो यहां से
ये टॉपिक भी खत्म होता है। बात आती है कि व्हीटस्टोन सेतु का जो हमारा नियम है, यह व्हीटस्टोन सेतु है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक नंबर वाला क्वेश्चन है ये। तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक तो मीटर सेतु में किया जाता है, ठीक है, दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये भी एक मीटर युक्ति है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका ये यानी डेरिवेशन भी यहाँ से ख़त्म होता है, और अगला टॉपिक मिलते हैं अगले पार्ट में आप लोगों के लिए। तब तक बाय बाय।